प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती आता है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। जैसे मैं कमला नगर में रहता हूं, पहले हम हिंदी के सेंटेंसेस को समझेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के सेंटेंसेस करेंगे, क्योंकि हिंदी से जब आप समझ जाएंगे, हिंदी के सेंटेंसेस आप समझ जाएंगे, तभी आपको टेंस का फर्क पता चलेगा और उसके बाद आप सेंटेंस को बना पाएंगे आसानी से। अगर हम डायरेक्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं कमला नगर में रहता हूं, सरला आठवीं में पढ़ती है, मेरा जन्मदिन अगले महीने आता है, है बहुत ही सिंपल से सेंटेंस। आप ध्यान से देखो, इन सब के वर्ड्स में लास्ट में ता ती ते इस तरीके के वर्ड्स आएंगे, तो जब भी ये वर्ड्स आ जाएं, आप बिना सोचे समझे इस चीज को मान लो कि वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस हैं। उसमें कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी ये लास्ट में ता ते ती इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं, आप बिना सोचे समझे ये पक्का कंफर्म कर लो कि वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ही है, और वहां पे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का रूल ही लगेगा, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं लगेगा। जब भी हम इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम टेंसेस को इसलिए सबसे पहले समझते हैं क्योंकि टेंसेस ही एक ऐसा है जो रूल्स के ऊपर चलता है, और हमारी सारी इंग्लिश रूल्स पर बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि कोई भी चीज वर्ड कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है इंग्लिश में। टेंसेस में अगर आपको सीखना है तो आपको रूल्स पहले इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाए। तो इसलिए जो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। जहां पे भी ता ते और ती आ जाए, इस तरीके के वर्ड्स आ जाए, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वे सोते हैं, मैं नहाता हूं, या वहां रहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखो, मैं कमला नगर में रहती हूं या रहता हूं, दोनों में ता ते ती, सरला आठवीं में पढ़ती है, यहाँ पे भी ती, मेरा जन्मदिन अगले महीने आता है, यहाँ पे भी ती। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है, इसमें हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये होते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। यहाँ आप बिना सोचे समझे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के रूल्स लगा देना। अब इन रूल्स को लगाना कैसे है, अब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का रूल समझते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ई एस, ये होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का रूल। इसी रूल के बेस पे हम सारे सेंटेंसेस करते हैं, जितने भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया, जिसमें लास्ट में ता ते और ती आता है, ये सब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हैं। जिन भी सेंटेंसेस में लास्ट में ता ते ती आ जाए, आप बिना सोचे समझे उसे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस मान लें, और उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अब एक एक करके इन सेंटेंसेस को देखते हैं।
जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कमला नगर में रहता हूँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप वर्ड मीनिंग्स भी लर्न कीजिए। अगर आप वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे तो आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में आसानी रहेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख कर देती हूँ इन्हीं तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आएंगे। सबसे पहले हमें मैं की इंग्लिश पता होनी चाहिए। मैं की इंग्लिश, आई, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। कमला नगर एक जगह का नाम है तो वो कमला नगर ही है। मे की इंग्लिश, इन। रहता, रहने की इंग्लिश, लिव। और यहां पे हूं आएगा। ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस जिसमें ये तीनों वर्ड्स आए हैं। इन तीनों वर्ड्स को यूज करके और इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस पूरे सेंटेंस की इंग्लिश कितनी आसानी से बना लेंगे। अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम रूल पर जाएंगे। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को कवर करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला, सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक एक वर्ड पर जाते हैं। जैसे पहले इसकी इंग्लिश बना लेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है, तभी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा है, जो किसी भी काम को कर रहा है, काम को करने वाला, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, काम करने वाला होता है सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस पे जाते हैं हम। मैं कमला नगर में रहता हूं। काम कौन कर रहा है यहां पे? यहां पे इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? मैं, क्योंकि रहने का काम हो रहा है और वो काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वो मैं से हो रहा है। मैं, सब्जेक्ट हमें मिल गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा मैं, जिसने काम को किया है, जो काम को कर रहा है। मैं की इंग्लिश, आई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। अब यहां हमें सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट मैं, और मैं की इंग्लिश हमने क्या ढूंढी? आई। इसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा? काम करना। काम करने वाला सब्जेक्ट, लेकिन काम किया क्या जा रहा है यहां पे? काम क्या किया जा रहा है? दोबारा सेंटेंस पढ़ेंगे। आप बार बार सेंटेंसेस को पढ़ो ताकि आपको इंग्लिश जल्दी से बनानी आ जाए। मैं कमला नगर में रहता हूं, तो यहां पे वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? रहना। ये काम है हमारा, रहने का काम हो रहा है। वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है? रहने का। तो रहना, रहने का मतलब लिव। सब्जेक्ट मैं, आई। वर्ब रहना, लिव। प्लस वर्ब की यहां पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
ये आपको याद करनी पड़ेंगी। हम हर वर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म्स को लर्न करते जाएंगे। यहाँ पे रहना, रहने का मतलब लिव। हमें क्या वर्ड चाहिए? लिव। लिव एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिव की लिव है। अभी हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म पर नहीं जाएंगे इसकी। लिव की फर्स्ट फॉर्म लिव। तो सब्जेक्ट मैं, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मिला हमें रहना, रहने की इंग्लिश लिव, और लिव की फर्स्ट फॉर्म, लिव की फर्स्ट फॉर्म लिव रहेगी। इसके बाद एस या ईएस, अभी आप इस रूल पर नहीं जाएंगे, इसे हम और डिटेल में समझेंगे अभी, लेकिन अभी हम छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। आई लिव कहां पे? इन मे। कहां पे? कमला नगर में। हमने यहां पे इंग्लिश बनाई है मैं और रहने की, इसका मतलब अगर हम इसे हिंदी में देखें तो मैं रहता हूं। कहां पे रहता हूं? हमारा ये वाला टॉपिक अभी बचा हुआ है, कमला नगर में। कमला नगर में, तो सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी बनाएंगे? मे की। कमला नगर की नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे मे की। मे की इंग्लिश इन। और कहां पे? कमला नगर। अब हम यहां पे कमला नगर लिखेंगे। दोबारा समझते हैं, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, जिससे काम किया जा रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट, वर्ब जौन सा काम किया जा रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म। अभी आप इतना रूल देखो सिर्फ, ये एस या ईएस को अभी आप छोड़ दो। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, जिससे काम किया जा रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है और उसकी फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? मैं। मैं की इंग्लिश आई। वर्ब कौन सा काम किया जा रहा है? रहने का काम। काम यहां पे कौन सा हो रहा है? रहने का। रहने की इंग्लिश लिव, और उसकी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिव की फर्स्ट फॉर्म लिव। तो आई लिव कहां पे? इन मेक इंग्लिश इन कमला नगर, कमला नगर में। इन दो सेंटेंसेस को हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ये वाला रूल अप्लाई होगा, और ये रूल मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना रूल सीखोगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सिर्फ इतना ही रूल आप सीखोगे, क्योंकि अगर आप ये सीखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस रूल को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसी से मिलता जुलता मैं आपको कोई और सेंटेंस देती हूं। जैसे हम नाचते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश का बेस, आपके टेंसेस का बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल आराम से हम टेंसेस को सीखेंगे। हम नाचते हैं, नाचते, त वर्ड, देखिए ते वर्ड आ गया। इस वर्ड को देखते ही हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, तो यहां प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का रूल अप्लाई होगा। कैसे समझते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इन वर्ड्स की इंग्लिश ढूंढेंगे।
जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर आप वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान दें तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाने इजी हो जाएंगे। जब आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी है एकदम जीरो से, तो आप अपने पास एक डिक्शनरी रखें, या आजकल तो गूगल पे भी वर्ड मीनिंग्स मिल जाते हैं, तो आप पहले वर्ड के मीनिंग्स एक पेपर पर लिख के रखें, तब आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करें। इससे आप जल्दी ट्रांसलेशन सीखेंगे और आपको वर्ड मीनिंग्स भी लर्न होंगे और इंग्लिश भी अच्छी इंप्रूव होगी इससे। हम सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश ढूंढनी है? हम की। हम को कहते हैं वी। मैं आपको साथ के साथ कुछ वर्ड के मीनिंग्स लिख के भी दूंगी, लेकिन आप भी ढूंढ कर रखिए। उसके बाद नाचते, नाचना की इंग्लिश, डांस, ये दो ही वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स हम नहीं ढूंढेंगे। हम का मतलब वी, नाचते, नाचना का मतलब डांस। अब हम इस रूल पर जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? जो काम को कर रहा है। काम को कौन कर रहा है? हम। काम करने वाला हम। हम की इंग्लिश क्या ढूंढी है हमने? वी। इसका मतलब यहां पे वी आएगा। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? जोन सा काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? नाचने का। काम किया जा रहा है नाचने का। तो यहां हम फिर से चार्ट बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म सभी नहीं बता रही, डांस, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस ही रहेगी, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस। सब्जेक्ट वी मतलब हम, जो काम को कर रहा है। काम क्या किया जा रहा है? नाचने का। वर्ब है हमारा नाचना। नाचने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? नाचने की फर्स्ट फॉर्म डांस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई हमारी? ये डांस। सिंपल, हम नाचते हैं, वी डांस। इसी तरह से हम इंग्लिश के प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक सेंटेंस हम और करते हैं। मैं यहां पे लिखती हूं, तुम रोज स्कूल जाते हो। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, तुम रोज स्कूल जाते हो। सबसे पहले हम इनके हिंदी से इंग्लिश के मीनिंग्स देखेंगे। तुम की इंग्लिश यू, रोज, रोज की इंग्लिश एवरीडे, स्कूल स्कूल की स्पेलिंग ये, जाना जाते हो, जाने की इंग्लिश गो। ये चार वर्ड्स हमारे पास आए हैं।
अब हम रूल पर जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? जो काम को कर रहा है। काम को कौन कर रहा है? तुम रोज स्कूल जाते हो। कौन स्कूल जा रहा है रोज? तुम। तो काम कौन कर रहा है? तुम। सब्जेक्ट हमें मिल गया तुम। तुम की इंग्लिश क्या है यहां पे? यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब जोन सा काम किया जा रहा है। दोबारा सेंटेंस पढ़ेंगे और वर्ब ढूंढेंगे। तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या काम हो रहा है यहां पे? काम कौन सा हो रहा है यहां पे? जाने का। जाना एक काम हुआ, स्कूल जा रहा है वो, तो यहां पे जाने का काम हुआ। वर्ब क्या हुआ हमारा? जाना। जाने की इंग्लिश गो। वर्ब के साथ हमें एक चीज और चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम दोबारा से चार्ट बनाएंगे। ये है हमारा चार्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हम फिर से गो की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे। गो की फर्स्ट फॉर्म गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। अब दोबारा से इस रूल पर आएंगे। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, काम कौन कर रहा है? तुम। तुम की इंग्लिश यू। वर्ब कौन सा काम हो रहा है? जाने का। जाने का मतलब गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? गो। दोबारा सेंटेंस पढ़ेंगे। तुम रोज स्कूल जाते हो। हमने किन किन वर्ड्स को लिख दिया? तुम को लिख दिया और जाने को लिख दिया। हमारे पास ये वर्ड रह गए, तुम जाते हो। इसका मतलब तो ये हुआ, हमने लिखा तुम और जाना, तो तुम जाते हो। कहां जाते हो? स्कूल। कहां पर? स्कूल। सबसे पहले बताना जरूरी क्या है कि वो जा रहा है, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। हम सबसे पहले ये नहीं बताएंगे कि वो रोज स्कूल जाता है। हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में बहुत फर्क है। हम बताएंगे, हमने लिखा है अभी तुम जाते हो, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप हिंदी के वर्ड्स देखो तो तुम और जाना, ये दो वर्ड्स हमने लिखे, तो तुम जाते हो। कहां जा रहे हो? पहले हम बताएंगे कि कहां जाते हो रोज, तो कहां जाते हो? स्कूल। जब गो लिखते हैं हम और किसी जगह का नाम आ जाता है, गो और किसी जगह का नाम, तो बीच में हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, टू। गो टू, ये एक रूल होता है, ये आप आगे चल के सीखेंगे। अभी आप इस चीज को सिर्फ याद कर लो कि किसी जगह का नाम आ जाए और गो आ जाए, इस जगह के नाम के बीच में और गो के बीच में एक वर्ड ऐड हो जाएगा, टू। ये हमें लगाना ही लगाना है हमेशा गो के साथ। तो यू गो टू स्कूल। अब हमने बता दिया कि तुम जाते हो स्कूल, इसकी भी इंग्लिश हो गई। अब बताएंगे हम कि कब जाते हो। कब जाता है वो? रोज। रोज की इंग्लिश एवरी डे। इसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत इजी है। अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं इन सेंटेंसेस को। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? काम करने वाला तुम। तुम की इंग्लिश यू। वर्ब
काम किया क्या जा रहा है, जाने का काम हो रहा है गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। कहां पे जा रहा है, स्कूल, स्कूल और गो के बीच में टू आ जाएगा, ये रूल होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गो के साथ हमेशा टू आता है, जगह का नाम गो तो बीच में टू आएगा, टी ओ टू। कब जा रहा है वो, एवरी डे, हर रोज जा रहा है। इस तरह से हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं।